आज के लेक्चर में हम स्टडी करते हैं हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। अब जो ये हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट है, इससे रिलेटेड हम पहले थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं कि ये है क्या और किसने दिया था। तो सबसे पहले 1865 के अंदर जो मैक्सवेल हमने पढ़ा था, उस साइंटिस्ट ने क्या किया था, मैक्सवेल साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस कर दिया था। इसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस कर दिया था, बट प्रोड्यूस उसने लैब में नहीं किया था, उसने थ्योरेटिकली बता दिया था। थ्योरी में ये बता दिया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस तरह से प्रोड्यूस होगी। इसने लैब के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस नहीं किया था। तो लैब के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस किया 1888 के अंदर, और किसने किया, हर्ट्ज ने किया। ये जो साइंटिस्ट है, इसने सबसे पहले लैब के अंदर ये एक्सपेरिमेंट किया मैक्सवेल की थ्योरी के ऊपर, और उसने अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस कर दिया। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करने के लिए उसने एक सेटअप बनाया, और वो सेटअप क्या है, इस टाइप का है। अब इस सेटअप के अंदर हर्ट ने जो ये ए और बी प्लेट्स ली है, वो बनी हुई है जिंक की या फिर कॉपर की। जिंक या कॉपर में से किसी की भी बना सकते हैं। तो इसने स्क्वायर शेप की दो मेटल की प्लेट्स ली, और उस इन दोनों प्लेट्स के बीच की जो इसने डिस्टेंस ली थी, वो थी 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर के ऊपर इसने दो प्लेट्स को इस तरह से रख दिया। इनके बीच की डिस्टेंस है 60 सेंटीमीटर। ये दो प्लेट्स ऐसी रखी हुई है जो कैसा लग रहा है कि कैपेसिटर है, कैपेसिटर है। तो जिस तरह से इसने दो मेटल की प्लेट्स रखी, वो एक कैपेसिटर की तरह बिहेव कर रही थी। उसके बाद इसने दोनों कैपेसिटर की प्लेट्स को के साथ एक वायर लगा दिया, जिसको हम ये बोलेंगे कि ये बहुत ही ज्यादा मीन्स इसने जो मेटल की प्लेट्स के साथ ये वायर लगाई हुई है, ये वायर बनी हुई है कॉपर की, कॉपर की बनी हुई वायर्स के साथ इसने क्या किया, जैसे एक प्लेट है ए, ए प्लेट के साथ इसने ये कॉपर की वायर लगा दी, प्लस इसी कॉपर की वायर जहां पे ये वायर खत्म होती है वहां पर इसने एक हाईली पॉलिश्ड मेटालिक स्फीयर लिया। S1 क्या होगा, हाईली पॉलिश्ड मेटालिक स्फीयर मेटल का बना हुआ स्फीयर है, बट उसके ऊपर पॉलिश की गई है। तो इसी तरह जैसे बी प्लेट है, बी प्लेट के साथ भी इसने कॉपर की वायर लगा दी, और उसके साथ भी एक स्फीयर जोड़ दिया S2, जो वो भी S2 भी क्या, हाईली पॉलिश्ड मेटल का स्फीयर है। अब फिर इन दोनों वायर्स को इसने इंडक्शन कोइल के थ्रू कनेक्ट कर दिया। मींस यहाँ पे इन दोनों वायर्स के बीच में यहाँ पर इन्होंने एक इंडक्शन कोइल लगा दिया। अब क्या होगा, देखो यहाँ पर जो स्फीयर है उनके ऊपर बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, क्योंकि जो ये इंडक्शन कोइल है, इंडक्शन कोइल यहाँ पर बहुत ज्यादा हम बोलेंगे थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट की, थाउजेंड वोल्ट्स की, सेवरल थाउजेंड वोल्ट की, कई हजार की वोल्टेज यहाँ पर ये इंडक्शन कोइल के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं। तो जो स्फीयर होगा वहां पर तो क्या होगा, ये जो स्फीयर हम यहाँ पर समझ लेते हैं इसको, ये जो स्फीयर है S1 और S2। अब यहाँ पर देखो, अगर बहुत ज्यादा थाउजेंड्स वोल्ट की इंडक्शन कोइल लगी हुई, तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या आ जाएगा, बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल। थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट के अंदर इमेजिन के कितना ज्यादा पोटेंशियल होगा। अब बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल होगा, तो इन दोनों स्फीयर्स के बीच में है क्या, एयर ही हो सकती है इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पर एयर हो गई दोनों स्फीयर्स के बीच में। अब फर्स्ट यूनिट के अंदर हमने क्या पढ़ा था, कोरोना डिस्चार्ज के अंदर हमने क्या स्टडी किया था, कि जब एक पॉइंटेड एंड होता, जैसे मार्कर की निब हो गई है, तो पॉइंटेड एंड के ऊपर बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में चार्ज होगा, तो उसके आसपास वाली एयर आयोनाइज हो जाएगी, इंडक्शन की वजह से एयर आयोनाइज हो जाएगी, और हमें ऐसा लगेगा कि ये मार्कर की निब चार्जेस को स्प्रे कर रही है।
जबकि ये चार्ज को स्प्रे नहीं कर रही है, चार्ज सिर्फ इसके ऊपर ही प्रेजेंट है, आसपास वाली एयर अपने आप ही आयनाइज हो रही है। तो वही कोरोना डिस्चार्ज को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो इसकी वजह से जब ये स्फीयर S1 और S2 पर हाई पोटेंशियल होगा, तो हाई पोटेंशियल की वजह से एयर है वो एयर क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। चार्ज होने का मतलब क्या है, आयोनाइज हो जाएगी एयर, आयोनाइज हो जाएगी। जब एयर आयोनाइज हो जाएगी तो वहां पर क्या प्रोड्यूस होंगे, स्पार्क प्रोड्यूस होंगे। एयर के आयोनाइज होने के बाद यहाँ पर स्पार्क प्रोड्यूस होंगे, और यही स्पार्क जब डिटेक्टर के अंदर जाएंगे, ये स्पार्क जब डिटेक्टर के अंदर गए, यहाँ पर देखो ऐसे ऐसे स्पार्क प्रोड्यूस हो रहे, तो स्पार्क जब प्रोड्यूस होंगे और डिटेक्टर के अंदर गए, तो डिटेक्टर ने उनको टिनी वेव की तरह रिकॉग्नाइज किया, टिनी वेव की तरह रिकॉग्नाइज किया, और इसी टिनी वेव को नाम दे दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सिंपली इसमें हमने क्या किया है, इंडक्शन कोइल के थ्रू हमने थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट के अंदर पोटेंशियल दिया, जब हमने इतना हाई पोटेंशियल दिया तो दोनों स्फीयर्स के ऊपर पोटेंशियल आ गया। अब इसका मतलब दोनों स्फीयर पर चार्ज इकट्ठा हो गया, चार्ज इकट्ठा हो गया तो इसकी वजह से जो इसके बीच में एयर होगी वो क्या हो जाएगी, आयोनाइज हो जाएगी। आयनाइज होने से स्पार्क प्रोड्यूस होगी, जैसे दो चीज है वो रब करती है तो वहां पे स्पार्क बन जाती है, तो इसी तरह यहाँ पे एयर के आयनाइज होने से स्पार्क बनेगी। और डिटेक्टर बिल्कुल इसके नजदीक रखा हुआ, इस तरह से हमने यहाँ पर डिटेक्टर रख दिया, तो जो ये स्पार्क है वो डिटेक्टर के अंदर चली जाएगी और लगातार स्पार्क जा रही है। इस तरह से लगातार स्पार्क जब डिटेक्टर के अंदर जाएगी, इतने सारे स्पार्क जब डिटेक्टर के अंदर जाएंगे, तो डिटेक्टर क्या बोलेगा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही है, स्पार्क को ही क्या बोल दिया इन्होंने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। अब यहाँ पर बेसिक फिनोमिना क्या हुआ है, मतलब चार्ज क्या हो रहा है, यहाँ पर ओसिलेट हो रहा है, चार्ज क्या हो रहा है, ओसिलेट हो रहा है, और चार्ज के ओसिलेट होने से ही क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती है। अब यहाँ पर जो वेव्स प्रोड्यूस हुई है उनकी फ्रीक्वेंसी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी स्पार्क्स की, तो इसके लिए हर्ट्ज ने कहा कि जो दो मेटल की प्लेट्स है वो तो कैपेसिटर की तरह बिहेव करती है, तो मेटल की प्लेट तो बन गई कैपेसिटर, उसके बाद जो ये वाले कॉपर की वायर्स हैं ये बिहेव करेंगी इंडक्टर की तरह, कैपेसिटर की वायर्स, ये सॉरी मींस जो ये वायर्स हैं कॉपर की वो बिहेव करेगी इंडक्टर की तरह। अब सर्किट के अंदर कैपेसिटर भी हो गया और इंडक्टर भी हो गया, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी होगी उसकी, 1/2πLC। तो इस तरह से इस फॉर्मूले का यूज करके उसने फ्रीक्वेंसी निकाली, और इसकी फ्रीक्वेंसी जो हमें याद रखनी है 5×10⁻⁷ हर्ट्ज, इतनी फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज ने अपने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकाल ली। अब फ्रीक्वेंसी इतनी है तो वेवलेंथ कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, C/λ, तो लैम्डा का फॉर्मूला हो गया C/ν, सी की वैल्यू 3×10⁸ और न्यू की वैल्यू है 5×10⁷। तो यहां से हमारे पास आ गया 6 मीटर। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हर्ट ने फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को लैब में प्रोड्यूस किया तो उनकी लेंथ कितनी थी, वो लेंथ थी 6 मीटर। जब ये छोटे छोटे स्पार्क्स को उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बताया तो उस टाइम पे यहाँ पर जो वेवलेंथ बनी थी इस वेव्स की वो है 6 मीटर। 6 मीटर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हर्ट्ज ने प्रूव कर दी थी। और जो ये फ्रीक्वेंसी इसने निकाली 5×10⁷ हर्ट्ज, तो यहाँ पर जो ये हर्ट वर्ड है इस हर्ट्ज को इसी की वजह से नाम दिया गया, क्योंकि हर्ट्ज इस साइंटिस्ट का नाम था तो इसने अपने नाम पर ही इस यूनिट का नाम रख दिया हर्ट्ज। अब ये तो हर्ट्ज ने बता दी थी, तो एक बार अगर किसी चीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो जाता है तो उसके बाद क्या हो जाता है, सारे साइंटिस्ट लग जाते हैं अपनी अपनी तरफ से अपनी उस चीज के ऊपर और फर्दर डिटेल में स्टडी करने के लिए, कि उसको थोड़ा सा और एडवांस लेवल पर स्टडी किया जाए। तो फिर इंडिया के भी साइंटिस्ट आए, तो इंडिया में सबसे पहले किसने एक्सपेरिमेंट किया, ये
इंडिया में फर्स्ट टाइम ये एक्सपेरिमेंट किया किया था जगदीश चंद्र बोस ने। ये इंडियन फिजिस्ट थे और इन्होंने ये 7 साल बाद, हर्ट्ज ने तो किया था 1888 के अंदर, तो इन्होंने किया 7 ईयर्स लेटर 1895 के अंदर। इस टाइम पे इन्होंने, जगदीश चंद्र बोस सर ने अपना एक्सपेरिमेंट किया, बट इन्होंने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाई उनकी वेवलेंथ सिर्फ 5 मिलीमीटर से लेकर कितनी थी, 25-25 मिलीमीटर तक, और हर्ट्ज ने जो वेवलेंथ बनाई थी वो कितनी थी, 6 मीटर तक की थी। तो इस तरह से जो इंडिया के फिजिस्ट थे जगदीश चंद्र बोस, उन्होंने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाई वो तो सिर्फ लैब तक ही कन्फाइंड थी। मींस ये तो इतनी स्मॉल डिस्टेंस है कि लैब के अंदर जो टेबल होती है उसी के ऊपर पूरा एक्सपेरिमेंट हो गया, ठीक है। तो फिर उसके बाद 1896 के अंदर मार्कोनी ने क्या किया कि इसकी जो ये वेवलेंथ थी, कि बोस ने तो कितनी बनाई थी, 5 mm to 25 mm, हर्ट्ज ने बनाई थी 6 मीटर, तो इसने सोचा कि थोड़ी सी इस लेंथ को इंक्रीज करते हैं। तो इस लेंथ को इंक्रीज करने के लिए इसने जो ये टर्मिनल है, मैं यहां पे बना रही हूं S1 और S2, S1 टर्मिनल को तो कनेक्ट कर दिया एंटीना से, इसको इसने एंटीना से कनेक्ट कर दिया, और S2 को इसने अर्थ में ग्राउंड कर दिया, अर्थ के अंदर कनेक्ट कर दिया, वायर के थ्रू अर्थिंग कर दी इसकी, और S1 को एंटीना से कनेक्ट कर दिया। तो इस तरह से जब इसने एक्सपेरिमेंट किया तो उस केस में तो इन्होंने जो वेवलेंथ निकाली वो निकली 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर मींस 50,000 मीटर। तो यहां पर तो देखो मिलीमीटर में थी, यहां पर मीटर में थी, और ये कितनी हो गई 50,000, 50,000 मीटर की वेवलेंथ इन्होंने छोटा सा चेंज करके, हर्ट्ज के ही एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा चेंज करके इन्होंने इतनी लॉन्ग वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस कर दिया। और इसी के साथ उन्होंने क्या किया, वायरलेस कम्युनिकेशन भी बना दिया, वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस कैसे हुआ कि जहां से हम सिग्नल को भेज रहे, जैसे मोबाइल का टावर होता है, तो यहां पर उसने एंटीना के थ्रू सिग्नल को भेज दिया, ग्राउंड के अंदर पास कर दिया, और फिर जहां 50,000 मीटर के ऊपर एक रिसीवर लगा होगा वो सिग्नल को रिसीव कर लेगा। तो इस तरह से वायरलेस कम्युनिकेशन, अब ये एंटीना कैसे ट्रांसमिट करेगा, रिसीवर कैसे रिसीव करेगा, ये हमारी लास्ट यूनिट है कम्युनिकेशन के अंदर, वहां पर हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये इस तरह से मार्कोनी ने क्या बना दिया, वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम बना दिया, और इस तरह से हमारा जो हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट हुआ, और आज जो हम ये टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, जैसे कि हम मोबाइल्स यूज कर रहे हैं, तो वो इसी की प्रोसेसिंग मींस बेसिक यहां से हुई थी। जो उसकी नींव है वो हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट है, सबसे पहले हर्ट्ज ने इसका इनिशिएशन किया था, फिर धीरे धीरे चल के मार्कोनी ने वायरलेस कम्युनिकेशन बना दिया था। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम, और वो भी उसकी ट्रिक के साथ।